हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर फ्रेंड पीयूष एंड आप सभी लोग आप एक बार फिर से स्वागत है सी प्लस प्लस के वीडियो में। आज के इस टॉपिक में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम आज बात करेंगे कि आगे के कैसे होते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था, एक बार अगर ओवरव्यू हम देख लें क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो आपको पता है कि हम जिसमें अगर हमें ऑब्जेक्ट्स में अगर जब कभी भी हमें ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, कोई ऑपरेशन जिसमें हम ऑपरेटर का काम होता है, तो हम उसमें ओवरलोड करते हैं। बिकॉज जो नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंपल आपके डेटा टाइप जो भी आपके पास होते हैं उनके हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इस हिसाब से आपके उस पर काम करते हैं। बट ये ऑब्जेक्ट्स पे आपका कोई भी ऐसा कोड नहीं है, तो इसके लिए हमें उन्हीं डेटा टाइप्स में उन्हीं ऑपरेटर्स को जो कि हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड और ये सब और अलग अलग प्रकार के जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम ओवरलोड करते हैं ताकि हम उनको ऑब्जेक्ट के लिए भी उसको यूज कर पाए। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूनरी ऑपरेटर्स को हम कैसे ओवरलोड करते हैं, जिसमें हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में हमने बात करी थी, जो कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स वाला होता है। मैंने आपको इंक्रीमेंट के बारे में बताया था और आपको मैंने डिक्रीमेंट के बारे में मैंने क्या बोला था कि आप इसको एज अ होमवर्क आप इसको काम करें तो इसको करते हैं। आई होप आप लोगों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए सोल्यूशन मैं आज दे दूंगा, वो आपको एंड वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में आपको जो 5 मिनट का हम देखते हैं टाइम, 2 मिनट में, जिसमें मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। आज हम बात करेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से ओवरलोड कर पाते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन ओवरलोड द बाइनरी ऑपरेटर्स, और हम उनके बारे में बात करेंगे कैसे वो चीज़ें वर्क करती हैं और किस तरीके से वो आपका काम करने वाला होता है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जिसमें आपको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स आपके कौन से हैं जिसमें आपको दो डबल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। यूनरी ऑपरेटर्स जिसमें आपको सिर्फ एक, जैसे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन जैसे होता है, इसी तरीके से आपका बाइनरी ऑपरेशन में आप दो तरीके के करते हो, जैसे आपका प्लस ऐड कर देते हो या किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए, लाइक ए माइनस बी। तो इसमें ए एक ऑपरेंड है, बी एक ऑपरेंड है, दिस इज ए ऑपरेटर जिसके एक बीच में आपका ऑपरेटर रहेगा। मल्टीप्लीकेशन, प्लस, डिवीजन, ये सारे कैसे होते हैं, ये सब सॉरी डिवीजन, दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। तो आज हम इनको कहते हैं इनको कैसे आप ओवरलोड कर पाओगे, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें ओवरलोड करनी है, तो इसको ओवरलोड करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ होती है, लाइक कुछ भी नहीं करना, बट आपको इसमें क्या करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा था कि हम क्या लिखते थे, रिटर्न टाइप, ठीक है, जो भी आपके पास में जो रिटर्न टाइप होगा वो, और उसके बाद में फिर आपको क्या लिखना है, आपको ऑपरेटर डालना है, यहाँ पे आपको लिखना है ऑपरेटर, एक कीवर्ड टाइप का है। फिर आपको इसमें क्या लिखना है, जो भी आपका साइन होगा, लाइक आपको प्लस करना है, आपको माइनस करना है, जो भी आपको देना है, तो आपको उस ऑपरेटर को आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके अंदर आपको अपने आर्ग्यूमेंट देने होंगे, ठीक, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर, ठीक, और फिर आपको इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देने होंगे, ठीक। आर्ग्यूमेंट आप जो भी, अगर आपको कोई मतलब अगर डबल बाइनरी ऑपरेटर में आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें प्लस जो आपका ऑपरेटर है, यहाँ पे आप पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, उस चीज़ से वर्क कर जाएगा, ठीक है। आप फटाफट से हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और उस पर हम जा करके इस चीज़ पे काम करते हैं कि हाउ यू थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। चलिए जी, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो टर्मिनल पे और इधर एक हम बनाएंगे फाइल, ठीक है। तो दिस इज अवर विजुअल स्टूडियो एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल कि आप किस तरीके से आप यहाँ पे फाइल बना सकते हो। तो आपके पास पुराने सारे वो सब कुछ होगा जो भी हमने क्रिएट किए थे लास्ट टाइम। नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू थिंग, एक नई फाइल हम इसमें बनाते हैं, इसको हम रखेंगे न्यू फाइल, जिसका नाम रखते हैं 02, इसका हम नाम रखते हैं 02 बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग .cpp, ठीक है। मैं नाम इसलिए ऐसे रखता हूँ ताकि अगर आप इस रेपोजिटरी में जाएं तो आपको इजीली पता चल जाए कि आप क्या 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 चीज़ देख रहे हैं क्या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ओके, दिस इज नेम स्पेस, राइट, परफेक्ट। यहाँ पे एक मेन फंक्शन हम डाल देते हैं जिसके अंदर लिखते हैं टू बी फॉर फ्यूचर मेन कोड हेयर, ठीक है, परफेक्ट, इससे कि हमारा ये इजी रहे। ओके, नाइस, परफेक्ट। चलो नाउ लेट्स क्रिएट अ क्लास, एक हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं
जिसमें हम क्या करेंगे, हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ क्लास जिसमें अपने दो नंबर्स को ऐड करना है हमें। तो एक लिख देते हैं यहाँ पे क्लास एडिशन, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि नंबर्स, एक क्लास डाल देते हैं और इसके अंदर हम कुछ ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे क्लास नंबर्स, तो आपको इसके बाद में फिर यू हैव टू राइट टू ऑपरेटर्स, सॉरी टू ऑपरेंड आपको जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी ऑपरेटर्स। तो इसके लिए आपको टू ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ने वाली है, और दो ऑपरेंड जो होंगे वो आपको एज अ आप उनको एज अ डेटा मेंबर आप इसमें रख सकते हो। तो इसको हम डाल देते हैं प्राइवेट, अगर हम कुछ नहीं डिफाइन कर रहे तो इट इज़ ऑब्वियसली प्राइवेट। तो लेट्स राइट हेयर फ्लोट जस्ट लाइक इंट नम वन और नम टू। ठीक है, ये हमने दो नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब हमें क्या करना है, इसे हमें यूज़र से लेना है, तो इसको हम लेंगे पब्लिक, क्योंकि हमें आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस करना है। देन लेट्स एक कंस्ट्रक्टर जो कि इनको ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दे। इसके आगे हम लिखेंगे नम वन को हम दे देंगे 0 का, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको नम टू को भी हम यहाँ पे दे देंगे 0। ठीक है, अगर आप नहीं भी देते हो तो आपको 0 0 दोनों में इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, परफेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है। तो एक हम बनाते हैं यहाँ पे void input function। ठीक है, एक हम इनपुट फंक्शन बनाएंगे, देन हम एक यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए बनाएंगे, देन हम बनाएंगे void आउटपुट फंक्शन। ठीक है, आउटपुट फंक्शन बना रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक हम जब बनाना है ओवरलोडिंग करनी है, तो ओवरलोड प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ओवरलोड आपको प्लस ऑपरेटर करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको रिटर्न टाइप देना है। तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप क्लास का दे रहे हैं बिकॉज हम इसको रिटर्न करेंगे, हम वहाँ पे स्टोर करना चाहें इसकी वैल्यू जो है वो हम डाल सकते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे वॉइड डाल सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं। आप यहाँ पे नंबर लिख दो जो भी क्लास का नाम है, प्लस आपको लिखना है ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद फिर आपको डालना है प्लस। अब इसके अंदर आपको दिया देना है ऑपरेटर देना है या आर्ग्यूमेंट देना है। तो देखो आर्ग्यूमेंट आप इसमें कैसे देखते हो, आर्ग्यूमेंट आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसका रेफरेंस देना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर और मैं एंड लिख के यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्ट, जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करोगे जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमें ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ये ऑब्जेक्ट दिया और बाई चांस अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया धोखे से, तो फिर आपकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। इसके लिए टू अवॉइड दिस कि आपको कोई और, जैसे आप मल्टीपल प्रोग्रामर्स एक में काम कर रहे हैं तो किसी ने इसको वैल्यू कुछ चेंज कर दी, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में पास किया गया है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। ठीक, तो इसी 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 प्रकार से हम यहाँ पे भी इसको करेंगे। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, अब सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हम टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि इसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, जो कि आपकी इस वैल्यू को स्टोर करने वाला होगा, या फिर कुछ भी आप जैसा ऐसा भी कुछ जिसमें आप इसको ऐड कर सको, सिंपल सी चीज। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो एक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि नंबर, टेम्प ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसमें जो कि यहाँ पे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट हमारे पास में होगा। अब हम क्या लिखेंगे, टेम्प डॉट, ठीक है, टेम्प डॉट नम वन। नम वन में क्या डाल दो आप भाई, आप डाल दो नम वन प्लस ऑब्जेक्ट डॉट नम वन। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट नम वन ऐसा यहाँ पे ऐड कर लोगे, या फिर आप ऐसे डाल दो ऑब्जेक्ट डॉट नम टू, ऐसे डाल सकते हो। ठीक, दो नंबर हमने दिए ऐसा, या फिर आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो कि सपोज करो आपने एक नंबर दिया है और कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो लेट्स राइट इट, एक एक ही ऑब्जेक्ट देते हैं तो दो ऑब्जेक्ट हम ऐड करेंगे ना इसमें, तो इसकी जगह पे हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कराएंगे। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट डॉट नम वन, तो ये नम वन में क्या आ जाएगा, नम वन। और आप यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न कर दो इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को। ठीक, इससे क्या करेगा, यहाँ पे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आपका रिजाइन कर देगा। तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है देखो, अभी मैं इसको बताता हूँ। अब यहाँ से आप आउटपुट निकाल दो, आउटपुट निकाल दो सी आउट रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, क्या हो जाएगा आपके पास, यू कैन राइट लाइक नम वन। ठीक है, एक बार ऐसे देख के देखते हैं, नम वन। ठीक, यू कैन एक्सेस दिस, ओके, एंड यहाँ से फिर आप क्या कर दो, इसको एंड कर दो, राइट नाउ, परफेक्ट। ठीक है, अब इधर हम क्या बनाते हैं, इधर लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आपको एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें आपके नंबर डाल के नम वन एक हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं, सपोज करो 10। ये हमने एक वैल्यू पास करी, और एक हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं नंबर,
नम टू जिसके अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं 20, ठीक है, इसको हम देंगे ऐसा कुछ, ठीक है। ओके सॉरी, जस्ट अ मिनट, हमने यहाँ पे इनपुट भी एक बनाया है फंक्शन जिसमें हमें इनपुट चाहिए, तो सी आउट एंटर दी नंबर, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी इन, और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, नम वन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नंबर नम वन, नम वन डॉट इनपुट, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया। देन हम क्या करेंगे, नंबर नम टू, ठीक है, नम टू डॉट इनपुट, इसका भी आपने इनपुट ले लिया। ना अब आपको क्या करना है, एक आपको नया एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, इसको आपको एक रिजल्ट करके या फिर कुछ भी ऐसा करके आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, एक नंबर रिजल्ट करके ऐसा। अब आप क्या करोगे कि रिजल्ट के अंदर आप क्या कर लो, यहाँ पे नम वन प्लस नम टू ये आप डाल सकते हो, दिस इज सिंपल। और आप यहाँ पे क्या कर दो, रिजल्ट डॉट आउटपुट, ठीक है, ऐसा जब आप लिखोगे और जब आप इसको यहाँ से रन करने चलोगे, सो इट इज बिल्डिंग नाउ, इट्स टेक कि कितना टाइम लगाता है यहाँ पे, और ये डॉट स्लैश करके एंटर द नंबर, सो लेट्स राइट 10, एंटर द सेकेंड नंबर लेट्स राइट 20, एंड योर रिजल्ट फॉर एडिशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज 30, परफेक्ट। तो ये इस तरीके से आपका काम कर, अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से इट इज वर्किंग। तो लेट मी डू दिस कि एक हम यहाँ पे इसको डीबग करेंगे, तो एक हम ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, एक हम ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, एंड एक हम ब्रेक पॉइंट अपना इस जगह पे भी लगाते हैं, ठीक है, इस जगह पे लगा देते हैं, ठीक। फिर लेट्स डीबग दिस ताकि हम इसको देख सकें कि किस तरीके से दिस थिंग इज वर्किंग हेयर। सो इसको बिल्ड होने दो, फिर हम लेट्स सी क्या करते हैं, देखना, राइट, रन एंड डीबग, इट इज रनिंग, ओके फाइन। तो देखो सबसे पहले कोड का एग्जीक्यूशन कहाँ गया, तुम्हारा नंबर नम वन, ये तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉल हुआ इसके पास, ठीक है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कॉल हुआ फिर यहाँ पे जाएगा नम वन डॉट इनपुट, फिर ये इनपुट वाला फंक्शन कॉल किया, तुम्हारे क्या क्या बोला इसने, एंटर द नंबर, तो आपने नंबर एंटर किया। आप जब नंबर एंटर करोगे फिर ये सी इन पे जाएगा और आपको यहाँ पे नंबर एंटर कराना है, ठीक है, यू हैव टू राइट अ नंबर लाइक 10, ठीक है। आपने यहाँ पे टर्मिनल पे गए आप, एंटर द नंबर, तो आपने यहाँ पे 10 एंटर कर दिया। जैसे ही आपने 10 एंटर किया कोड एग्जीक्यूशन नीचे गया, फिर ये नंबर नम टू ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इस ऑब्जेक्ट के लिए इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो कि इसकी इनिशियलाइज किया 0, फिर इसने नम टू डॉट इनपुट दिया और ये एंटर द नंबर रन हुआ, और आपको यहाँ पे इसको रन करना है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज करो 20। जैसे ही ये रन हो गया, अब सिमिलरली ये कहाँ पे जाएगा, एक रिजल्ट इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रिजल्ट की वैल्यू इसने 0 डाल दी। अब यहाँ पे रिजल्ट नम वन प्लस नम टू ये कर रहा है, अब जैसे ही यहाँ पे जाएगा ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे जाएगा इधर, ये ठीक है, इट विल गो हेयर, और यहाँ पे एक देखना किस तरीके से काम करेगा। अभी जैसे ही यहाँ पे गया नंबर, टेम्परेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही उसको इनिशियलाइज कितना कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 पे, ठीक है। आप यहां से देख सकते हो कि नम वन की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और इसने ये टेम्प में जाके दे दिया, ठीक है। नम वन की वैल्यू यहाँ से कितना है, 10 है, जो कि आपने ऑब्जेक्ट में दे रखी है, ठीक, जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट से दे रखा। फिर उसने क्या किया, उसको ऐड किया, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना, देखो नम वन की वैल्यू कितनी, 20, नम वन की वैल्यू कितनी, 10, ठीक, इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके इसने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, और इसको यहाँ से रिटर्न करके इस आउटपुट वाले फोल्डर में इसने यहाँ पे डाल दिया। और जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट करेगा, आप रिजल्ट डॉट आउटपुट करोगे और ये 30 प्लस कर देगा, ठीक है। दिस इज हाउ द कोड एग्जीक्यूशन इज वर्किंग। अब इसको एक स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे और अपने इधर चलते हैं। तो दिस इज हाउ द कोड एग्जीक्यूशन इज वर्किंग हेयर, और रिमूव ब्रेक पॉइंट, रिमूव दिस ब्रेक पॉइंट, ओके सॉरी, रिमूव ब्रेक पॉइंट, और इस वाले ब्रेक पॉइंट को भी अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे भी होगा है ब्रेक पॉइंट, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो दिस इज हाउ द कोड इज वर्किंग। आप जब भी इसमें करते हो तो इतना सिंपल सा ही ओवरलोडिंग का ऑपरेशन होता है कि जैसे आप प्लस करते हो तो प्लस करने पे होता है। अब सपोज करो आपको दोनों ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करना है, नम वन इंटू नम टू, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, लेट्स राइट लाइक ओवरलोड मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर को करोगे तो नंबर
लिखेंगे हम, फिर ऑपरेटर लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई वाला साइन लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉन्स्ट नंबर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका हम रेफरेंस देंगे यहाँ पे। जैसे ही आप दोगे, अब यहाँ पे आपको रन करना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे नंबर टेम्प, एक आपने टेम्प ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेम्प डॉट नम वन इज इक्वल टू नम वन इन टू मल्टीप्लाइड विथ ऑब्जेक्ट डॉट नंबर, जो भी आपने दूसरा जो ऑब्जेक्ट इसमें पास कर रखा है उसको, और यहाँ से आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो इस टेम्परेरी को। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, लाइक आप यहाँ पे टू से भी मल्टीप्लाई करा सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है आप, बट आप एक सिंपल सा जो एक गाइडलाइन होती है या फिर जो एक हमारी इज्जत इज्जत बची कोई चीज़ होती है, उसमें क्या देखते हैं कि जो भी उसकी डेफिनेशन है, जो भी वो कहना चाहता है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो फिर आपको उसको क्या देना पड़ेगा, सिंपल सा आपको तो उसको देना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसी ऐसी बात है, ठीक। इसको लिख देते हैं एड आउटपुट, इसमें लिख देते हैं void multiply output, ठीक है। इससे देखो पता कितना बढ़िया चल रहा है, जैसे ही आप ये लिखोगे ना ऐसी कोई चीजें कि आपको कोड से ही पता चल जाए कि आप क्या कहना चाहते हो, तो फिर आप कितने आसानी से करोगे प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज नंबर, ठीक है सिंपल सा ऐसे आप करो। अब जैसे ही आप यहाँ पे रिजल्ट डॉट एड आउटपुट यहाँ पे डाल दिया, और एक हम यहाँ पे और डाल देते हैं कि नंबर रिजल्ट टू, इसको सबको एक में भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, दैट इज नॉट मैटर, तो नम वन इंटू नम टू डाल दो आप, और जैसे ही आप यहाँ पे खोल के रिजल्ट डॉट मल्टीप्लाई रिजल्ट टू डॉट मल्टीप्लाई आउटपुट, और आप इसको रन करोगे, एंड इफ यू प्ले दिस, लाइक इफ यू रन दिस, रन करने के तुरंत ही बाद आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, ओके डॉट स्लैश, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बैश पे चलते हैं, डॉट स्लैश करते हैं, जीरो टू बाइनरी करते हैं, एंड ओके आई एम सॉरी, एंटर द नंबर, लेट्स राइट 10, लेट्स राइट 30, तो रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज 40 एंड रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स 300, हम यहाँ पे लाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करने लग जाती है, आपको बहुत ही आसानी से, बस खाली आपको कॉम्प्लेक्स डालना है और मतलब उस नंबर को डालना है, और आप इस चीज़ को कर सकते हो बहुत ही ईजी वे, ठीक है, इट्स अ वेरी ईजी थिंग कि आपको अगर कुछ भी करना है या जिस तरीके से भी एडिशन मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना है तो आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कुछ जो सिंबल्स वाले होते हैं, लाइक जब हम एरे को जो हम इनिशियलाइज करने चलते हैं ना, वेन एवर वी यूज टू इनिशियलाइज द एरे, लेट मी गो टू दिस एक बार, और मैं अपने सीन टू पे चलता हूँ। हाँ, अगर हम किसी एरे को इनिशियलाइज करते हैं, सपोज आपने कोई एक एरे बनाया, एरे नम, और आपने इसमें 10 दे दिया, और इसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज पास कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जब आप इसको लिखते हो तो इसको लिखने के जस्ट तुरंत बाद में ही अगर आपको एक्सेस करना है ये वाला इंडेक्स, तो इस वाले इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू राइट लाइक क्या, नम टू, ठीक है, आप ऐसे करते हो, ठीक है, या फिर आप कभी कभी कोई लोग ऐसे भी कर देते हैं लाइक नम टू, इस तरीके से भी कर सकते, ठीक है, ऐसा। ये एक क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का, सपोज करो अगर मैं दो को एडिशन या मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसा कराना है, कुछ इस तरीके से कोई मैं चेंज करानी है, लाइक कंपेयर करना है, जैसे करो नंबर ए है जिसका नंबर है 2 और नंबर बी है जिसका जिसको वैल्यू है 3, तो अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, दिस इज लाइक फॉल्स, दिस इज द बूलियन, ए लेस देन बी, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ट्रू। तो अगर हम इस ऑपरेटर को भी लाइक इस क्या कंपैरिजन ऑपरेटर को भी अगर हम ओवरलोड कराएं, तो हम इसको भी ओवरलोड करा सकते हैं, लाइक हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करा सकते हैं कि हाउ दे आर वर्किंग, ठीक है। तो एक बार इसको भी करते हैं, हम एक बार ये लास्ट ये करेंगे कि इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर को, तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाउ यू गाइज कैन ओवरलोड द ऑपरेटर्स, लाइक जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं या इस तरीके के जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, आप उनको किस तरीके से आप ओवरलोड कर सकते हो, ये भी आपको एक बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि आप दो चीज़ों को ओवरलोड कराना है या कंपैरिजन ओवरलोड कराना है या क्या भी कुछ भी जो भी ओवरलोड कराना है, वो यू गाइस कैन ईजिली ओवरलोड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट समथिंग जिसमें आप कुछ ऐसा अच्छा सा बना सको, ठीक है। तो जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, एक बार दो मिनट का पॉज लो यहाँ पे, और एक अपने आप खुद से इस चीज़ को करने की कोशिश करो, देखो क्या कर पा रहे हो कि नहीं।
ठीक है, एक बार इसको खुद से बनाने की कोशिश करो कि कैन यू गाइज डू दिस और नॉट। कॉफी इसको खुद से करें एक बार, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आई गेस आप लोग कर पाएंगे इसको। आधा पैसा होप आपने यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को देखा होगा कि किस तरीके से यू कैन डू दिस, आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि आप कर सकते हो कि नहीं। तो अब हम चलते हैं, एक अपनी नई फाइल यहाँ पे बना लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ सिंबल्स की, या फिर कुछ कह सकते हो आपके कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स जो कि आप ओवरलोड करा सकते हो, ठीक है। या फिर अभी तो ये बाइनरी में ही आएगा ना, तो इसको एक बार बाइनरी में ही डाल देते हैं, ठीक है। एक नया सब बना लेते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल हेयर, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल 03, डाल देते हैं कंपेयरिंग, कंपेयर ओवरलोडिंग, कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट सीपीपी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। नेम स्पेस एसटीडी एंड मेन, ओके। एंड यहाँ पे हमारा मेन कोड जाएगा, इसके बाद लेट्स राइट क्लास, और यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे। सपोज को एक स्क्वायर हम बनाते हैं, दो हमें स्क्वायर को आपस में कंपेयर करना होगा, तो अगर हम दो स्क्वायर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि स्क्वायर यानी कि आपको उसका एरिया चाहिए होगा ऐसा कुछ भी, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू वन। या फिर हम एक सिंपल है, यहाँ पे नंबर डालो लाइक दिस, एक बार करते हैं देखो, नंबर डालो आप यहाँ पे, नंबर डालो, ठीक। इंट नम डालते हैं इधर, और पब्लिक डाल के हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि कुछ भी हम नम एक डाल देंगे लाइक नंबर, एक बार यही अपना पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया ही रहेगा कि इतना सा ये पूरा का पूरा उठाओ, इधर करो कॉपी और इधर करो पेस्ट, ठीक है। परफेक्ट, इनपुट हमने ले लिया, एंटर द नंबर, नंबर ऑपरेटर प्लस, ये हमें हटाना है, ये हमें हटाना है, और यहाँ पे ये हटा देना है, ठीक है। इतना हमें वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर द ऑपरेटर, ओवरलोड द ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर से हमें क्या देना है, इस ऑपरेटर से हमें मिलेगा या तो ट्रू या तो हमें मिलेगा फॉल्स, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज बूल, ठीक है। जब भी आप कोई बोलियन वाले करते हो तो आपको बूल रिटर्न टाइप करना है, देन आपको इसमें लिखना है ऑपरेटर, और फिर आपको सिंबल कैसा चाहिए। सपोज करो हम पहले ग्रेटर देन ऑपरेटर को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर डालेंगे। फिर हमें दूसरा भी चाहिए, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट लाइक कॉन्स्ट नंबर एंड obj1, ठीक है, ऐसा कुछ, क्लियर। अब इसमें क्या चाहिए, इफ इफ व्हाट वी हैव टू डू, इफ द कह सकते हो कि नम वन इज ग्रेटर देन ओबीजे डॉट ऑब्जेक्ट वन डॉट, या फिर इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट डालते हैं ना, लेट्स क्रिएटेड लाइक ऑब्जेक्ट वन डॉट नम, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन डॉट नम वन, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स आप यहाँ से क्या रिटर्न कर दो यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर इसका हुआ। सिमिलरली अगर आपको लेस देन वाले को भी कंपेयर करना है तो आप यहाँ से उठा के कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप देखते हो क्या करते हैं इसमें, देखो एक बार
जैसे ही आप यहाँ पे गए, आपने इसको डाला, आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, लाइक नंबर नम वन, ऐसा नम वन डॉट इनपुट, ठीक है, ऐसा हमने डाला। फिर हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक नम वन कॉमा नम टू हमने बना लिया, और एक हमने क्या बना लिया, सपोज करो रिजल्ट की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया नम टू डॉट इनपुट, नम टू डॉट इनपुट लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, देन आप यहाँ पे क्या करो, सी आउट फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, ठीक है, सिंपल, बस इतना सा, ठीक, इतना सा, एक सिंपल सा छोटा बताता हूँ, फिर हम स्क्वायर आगे करेंगे। तो ये सिंपल सा इतना सा कोड है इस चीज़ को करने का, बस आपको इस ऑपरेटर को ओवरलोड करके इसके यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिखनी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे हम इसको बिल्ड कर देंगे, लेट्स बिल्ड दिट्स, और इसको यहाँ करो, इसको एक बार रन करते हैं। ओके, अगेन मैं वही चीज़ मैंने फिर से बैक करके चला दिया, वन वन डाल देते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं टर्मिनल, और अपना डॉट स्लैश 03, नहीं 03, आई नीड 03 मैन, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट ई एक्स ई, इसको रन करेंगे, एंटर द नंबर, फर्स्ट नंबर इज 2, थर्ड नंबर इज 3, सो इट इज लाइक 2 इज 3, ये क्या हो रहा है। हाँ, तो इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, दिस इज नॉट नम वन इज ग्रेटर देन नम, तो ये इफ कंडीशन ही नहीं चलेगा ना। एक बार 4 डालते हैं और सेकंड में 1 डालते हैं, तब ये चल जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है, क्योंकि नम वन इज ग्रेटर देन नम। एल्स यहाँ पे डाल देते हैं, एल्स डाल देते हैं, सी आउट सेकंड इज ग्रेटर, ठीक है, ऐसा डाल देते हैं, ये अब चलेगा दोनों के दोनों। इसको करेंगे एंड, इस टर्मिनल को करेंगे क्लियर, देन वी विल रन इट, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 4, तो सेकेंड इज ग्रेटर दैट वी नो, कंपेरिजन ऑपरेटर 5 एंड 1, 5 एंड 2, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कंपेरिजन कर सकते हो आप किसी भी ऑपरेटर का। अब आपका क्या काम है यहाँ पे, टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट द कंपेरिजन फॉर लेस देन ऑपरेटर, ठीक है, ओवर लोडिंग फॉर लेस देन ऑपरेटर, यहाँ पे आपको इसका ये काम आपको करना है यहाँ पे। तो इसको अपन डाल देते हैं इधर टू डू, और टू डू डालने के बाद आपको ये चीज इतनी काम करनी है, दैट्स इट। तो इतना सा आपको करना है। अब एक बार फटाक से चलते हैं और अपना जो लास्ट कोड में मैंने आपको दिया था कि होमवर्क टाइम, कि आपको होमवर्क क्या करना है, वो एक बार फटाक से देख लेते हैं। तो हमने कुछ इसमें काम किया था कि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट और प्री फिक्स डिक्रीमेंट की आप यहाँ पे बात करोगे, तो सिंपल सा कुछ भी नहीं है, बस डिक्रीमेंट करना है। तो इसी को हम यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और हम इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है, लेट मी डू लाइक दिस, कि इसको हम ऐसे डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा सुंदर मंदर बना देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुंदरीकरण कर दें इसका, ये प्लस प्लस कर दिया, तो इसकी जगह प्लस प्लस की जगह बस सिंपल है, यहाँ पे माइनस माइनस डाल दो, इसकी जगह पे आपको क्या करना है, माइनस माइनस डाल देना है, इसकी जगह पे आपको माइनस माइनस डाल देना है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। सिमिलरली आपको क्या करना है, इस वाले को भी उठाना है यहाँ से, कंट्रोल सी करना है और इसमें जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसकी जगह पे माइनस माइनस कर देना है, इसकी जगह पे माइनस माइनस कर देना है, इसकी जगह पे माइनस माइनस कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक। जैसे यहाँ पे डिक्रीमेंट करोगे, इंक्रीमेंट करोगे, वो सब कुछ आपका उसी प्रकार से, उसी की इच्छा के अनुसार आपका काम कर जाएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से आप डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे भी करना हो। तो सिमिलरली आज का होमवर्क आपका क्या है, इतना सा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया आज का, क्योंकि आज ये लास्ट है समझो किसी के कंपैरिजन ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्लास से वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ द ऑपरेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि है आपका इनहेरिटेंस, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।